जी तो फ्रेंड्स ये है मेरा, है मैंने ऑयल अपना जो मैंने अभी तक सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, उसके बाद मैंने किया ही नहीं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बुरी थी। मतलब इतनी भी बुरी नहीं थी, बर्दाश्त हो सकती थी, बट मुझे ना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं जब हेयर ऑयल लगाती हूँ ना तो मैं जब उसको वॉश करती हूँ ना तो मेरे बालों में से ना जल्दी हेयर ऑयल निकलता नहीं है। मेरे माशाल्लाह से थिक बाल है, मेरी आधी शैम्पू की बोतल ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं ना मतलब कि वीक में ना वन टाइम ही अब ऑयल लगा रही हूँ। अब मैं हेयर ऑयलिंग करने लगी हूँ, मेरा गला अभी तक नहीं सही हुआ। और जी अपने बालों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर तक बड़ी थी, मैंने एक दफ़ा मैं लगाया, इतना ज़्यादा मैंने लगा लिया। मैं ना बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ, उसको निकालने में भी इतना टाइम लग जाता है और फिर उस शैम्पू भी मेरा सारा ख़त्म हो जाता है। चलिए मैं ऑयलिंग करती हूँ जी। तो उसके बाद दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा मैं फटाफट सा सालन बना लूँ, और ये मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। अभी इसको बनाई करके मैंने पानी डाला है इसका, ताकि थोड़ा सा चिकन गल जाए और शो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दिया मैंने, जब चिकन गल जाएगा तो उसके बाद अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी आप कर लूँगी मैं। ये जी मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ, कौन सी है ये, टपाल की ग्रीन टी, जिंजर और हनी फ्लेवर है ये। फिर हाँ जी बेटा ये आपकी पीने की चीज़ नहीं है, वैसे मैं सारा कुछ खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर, कोई डाइट नहीं करती, बट मैं ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ग्रीन टी पी लेती हूँ। अच्छा हनी ख़त्म हुआ है, इसमें हनी डाल लेती हूँ कभी कभी, कभी कभी फीका ऐसे भी पी लेती हूँ, शुगर नहीं डालती मैं, तो ये इसमें हनी डाल के ही पीऊँगी। चले थोड़ी बहुत तो इसे फ़ैट बर्निंग होगी ना, वैसे तो मैं अल्लाह का शुक्र है इतनी मोटी नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत बेली फैट वगैरह आ जाता है ना, तो उसके लिए उससे एयरपड्स पकड़ो, मूसा बाबा के एयरपड्स पकड़ो उससे, ईसा से। आपने पीना पी ले ना। उसके बाद जी मैं शाम को चली गई थी बाजार, मूसा का बैग लाने वाला था, स्कूल बैग उसका ख़राब हो गया हुआ था, ये देखिए कितनी बुरी हालत इसने कर ली थी। ओके मूसा, तो हालांकि ये बैग इसने बहुत पुराना नहीं है इसका, ये कुछ टाइम पहले लिया था, बट इसने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी हुई थी और मुझे टाइम नहीं मिला था स्कूल बाज़ार जाने का, तो फाइनली मैंने कहा अब तो बहुत ही इसकी बुरी हालत हो गई, अब बाज़ार जाना पड़ेगा और इसके लिए बैग लेके आना पड़ेगा। तो इसने मूसा ने बैग लिया है, ये टायर वाला बैग लिया, इसने खुद पसंद किया था, इसमें सारे करेक्टर्स बने हुए थे और अच्छा लग रहा था, तो फिर इसने ले लिया। सुपरमैन, बैटमैन, बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो मूसा का बैग मैंने कहा आज फाइनली मैं ले ही आऊँ, इसने बैग की बहुत बुरी हालत कर दी, ज़रा सा सुराख हो जाए, बच्चे उस चीज़ को फाड़ फाड़ के और ही ख़राब कर देते हैं। उसके बाद जी मैंने अपने लिए लेंस लेने थे, तो मैंने एक लेंस का पेयर लिया अपने लिए, वो आई थिंक ग्रे कलर का लिया मैंने, हाँ जी। तो उसने डाल के ना ओपन करके इसको पैकेट में डाली, मैंने उसको बताया कि मैंने कल शादी पे जाना है तो मैंने पहनने हैं, तो उसने कहा चले मैं आपको ओपन करके ही दे देता हूँ। सो ये मैंने अपने लेंस लिए हैं, एक दो चीज़ें और लेनी थी बट साथ में ईसा गया हुआ था तो उसने मुझे लेने नहीं दी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे ना हमने शादी पर जाना था, दोपहर का वलीमा था, तो मैंने कहा मैं यार रात को ही कपड़े इस्त्री करके रख लेती हूँ बच्चों के और अपने, तो मैं वो कपड़े प्रेस कर रही थी। ये मैंने दो दिन का इकट्ठा व्लॉग अपलोड करना है, मतलब कि सैटरडे का और संडे का दोनों का। उसके बाद जी रात को मैं अपने खाना खा रही थी जो मैंने बनाया था, चिकन साथ रोटी, और मैं दिखाना भूल गई कि मैं बाज़ार से अपने लिए कुर्ता भी लेकर आई थी। उस टाइम मैंने चेंज ट्राई किया, मुझे साइज़ सही था, मैंने अलमारी में रख दिया, फिर मैंने सोचा मैंने तो ये दिखाया ही नहीं, फिर मैंने ये निकाला, ये इसका बाजू पे लेस लगी हुई है, इसने रेडीमेड मैंने कुर्ता लिया, ये मुझे नाइस लग रहा था, डिसेंट सा लग रहा था और अच्छा लग रहा था, मैंने फिर ये ले लिया। ऐसे इसका स्टाइल बनावा सब हमने फ्रेंड से, कोटी स्टाइल बनावा, ये बहुत लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मेरे पाँव तक आ रहा था, ये काफ़ी लॉन्ग है, बिल्कुल पाँव तक, मेरे पाँव से बस थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब मुझे खाली कुर्ता ही ले लिया मैंने, ये मल्टी कलर का, इसके साथ कोई भी दुपट्टा, कोई भी टाइट चल जाएगी, ट्राउजर चल जाएगा, दुपट्टा किसी भी कलर का चल जाएगा, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो उसके बाद जी अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया, हम लोग वलीमे पर जा रहे थे, ये मूसा एज़ यूजुअल हमेशा नाराज़, और इसके बाबा बाहर वेट कर रहे हैं हमारा, हम जाने लगे हैं, ये मेरी तैयारी देख ले नीचे से, और ये मेरी सिस्टर की तैयारी,
मूसा एक मिनट वेट कर लो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने मूसा के कार्टून बंद किए हुए, तो वो बोल रहा है कि मेरे अपनी वीडियो बंद करो, मेरा कार्टून लगा रही है। चले जी, शादी खत्म हो चुकी है और हम अब गाड़ी में आके बैठ चुके हैं। ये हील्स ने तो मेरे पांव थका दिए हैं। बाकी लोग तो अभी निकल रहे हैं, मैं तो पहले आके बैठ गई हूँ गाड़ी में, मेरे पांव थक गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान है हमारा। ये क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? आपकी चप्पल मरे नहीं, तो चाहिए शादी का। अब तो अपनी चीजें तो मैं अपने खाओ, इसलिए मैंने आपको अलग अलग बना के दी। आसान आपके अभी गर्म है ठंडे होने को। आसान केचप लेनी है? मूसा तो केचप के बगैर ही खा रहे हैं जी। तो फिर शाम को बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों को नगेट्स बना दिए और मैंने अपने लिए ये सूपी नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स के अंदर ना मैंने थोड़ा सा पहले का सूप पड़ा हुआ था घर में ना, वो मैंने मिक्स करके ना सूपी नूडल बना लिए हैं बड़े मज़े के। और जी ये अपने लिए मैंने नूडल्स बना लिए हैं। अब मैं ये देखें खाने लगी हूँ। और जी अब मेरी वीडियो एंड होने वाली है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।